हमने देखा कि जब परिपथ संयोजी तारों से जुड़कर पूर्ण हो अथवा उसमें चालक तारों के साथ ही कोई अन्य चालक वस्तु भी उपस्थित हो तब भी बल्ब जलने लगता है, अर्थात ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत आवेशों का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता है। परंतु किसी विद्युत रोधी पदार्थ की उपस्थिति में अथवा टूटे हुए परिपथ की स्थिति में आवेशों का प्रवाह रुक जाता है और बल्ब नहीं जल पाता। ऊपर दिए गए प्रयोग में आपके द्वारा ली गई वस्तुओं को चालक व विद्युत रोधी की श्रेणी में बांटें। हम कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, जबकि विद्युत रोधी अर्थात कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। ध्यान रहे कि दरअसल प्रवाह विद्युत धारा का नहीं बल्कि विद्युत आवेशों का होता है, जिस कारण विद्युत की धारा उत्पन्न होती है। परंतु सरलता के लिए हम विद्युत धारा का प्रवाह भी कहते हैं। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार जल के बहाव के कारण जल धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जल की मात्रा आवेशों की मात्रा के अनुरूप है। इस पाठ में हम विद्युत की कुछ अवधारणाओं को समझने के लिए इसी समरूपी परिस्थिति का उपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस प्रकार पानी या किसी पदार्थ के कण होते हैं उस तरह बिजली के कण नहीं होते, क्योंकि बिजली या विद्युत कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार पानी के कटे हुए पाइप से पानी प्रवाह बाधित होता है, कटे हुए तार में से विद्युत का बहाव नहीं दिखता बल्कि बहाव रुक जाता है। विद्युत धारा वह कुल आवेश यानी कि चार्ज है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया में से इकाई समय में गुजरता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब है। यदि Q कूलम्ब आवेश किसी चालक से T सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। समीकरण एक। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है जिसे कैपिटल A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। समीकरण एक के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकेंड में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा एक एम्पियर कहलाती है। एक एम्पियर बराबर एक कूलम्ब बटे एक सेकेंड। कभी कभी एक छोटी इकाई मिली एम्पियर एम ए अथवा माइक्रो एम्पियर म्यू ए का भी उपयोग किया जाता है। एक मिली एम्पियर बराबर एक बटे एक हजार एम्पियर बराबर 10³ एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर एक बटे 1,000,000 एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर की मदद से किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। अमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इस स्थिति में धारा का प्रवाह अमीटर के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो।